इस बार फिर मैं लेकर आई हूँ एक सिंपल सा क्विक समर डेजर्ट जो इजीली आपके किचन में रखे हुए इंग्रेडिएंट से आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम एक बाउल लेंगे और 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। इसके अंदर हम 1/2 कप यानी 125 ml दूध ऐड करेंगे। दूध मैंने यहाँ पे रूम टेम्परेचर लिया है, गर्म दूध आपको यहाँ ऐड नहीं करना है, आप ठंडा दूध भी ले सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से दूध में मिक्स कर लें, कोई लम्स ना रह जाए। कस्टर्ड अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसे साइड में रखेंगे और एक पैन में 1/2 लीटर दूध गर्म करेंगे। मेजरमेंट कप के अकॉर्डिंग 1/2 लीटर दूध करीबन 2 कप जितना होता है, तो मैंने 2 कप दूध यहाँ पे डाल दिया है। दूध अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर 1/3 कप शुगर ऐड करेंगे। 2-3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करें, शुगर डिजोल्व हो जाएगी। उसके बाद में जो कस्टर्ड हमने दूध में डाल के रखा था, अच्छे से उसको एक बार वापस मिक्स करेंगे और धीरे धीरे हम गर्म दूध में डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। कंटिन्यू आप यहाँ पे स्टिर करते रहें, बिल्कुल भी ना रुकें, अदरवाइज़ कस्टर्ड में लम्स आ जाएंगे और कस्टर्ड ख़राब हो जाएगा। कंटिन्यू स्टिर करते रहें, धीरे धीरे कस्टर्ड का कलर चेंज हो जाएगा और थिकनेस आ जाएगी। गैस मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया है, आप गैस को ऑफ कर दें, आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो गई है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड ली है, 10 से 12 पीस आप ले लें। हम सारे ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। आप सीजर से कट कर सकते हैं, आप चाहें तो आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सीजर की हेल्प से सारी कॉर्नर्स जो है ब्रेड के वो कट कर लूँगी। कोशिश करें आप ब्रेड फ्रेश यूज़ करें, जितनी फ्रेश ब्रेड आप यूज़ करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। ब्रेड के कॉर्नर्स को आप सुखा सकते हैं, सुखा के आप इसे ग्राइंड करके स्टोर कर लें। कोफ्ता, कटलेट, इन सब की कोटिंग्स में ब्रेड क्रम्स बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो देखिए ब्रेड्स यहाँ पे कट हो गई है, सबके कॉर्नर्स मैंने अच्छे से काट दिए हैं। कस्टर्ड ऑलरेडी यहाँ पे ठंडा हो चुका है, अब हम उसे एक कंटेनर में निकाल लेंगे और हम इसके अंदर 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम का ऐड करेंगे। वनीला आइसक्रीम एक बहुत ही क्रीमी टेक्सचर देगा कस्टर्ड को, तो आप ये ज़रूर डालें। अच्छे से मिक्स करें और इसको वापस फ्रिज में रख दें 1 घंटे के लिए ठंडा होने। अब हम बात करते हैं फ्रूट्स की, जो है मेन इन्ग्रीडियंट इस रेसिपी का। मैंने लिया है कीवी, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, ऑरेंज, एप्पल, केला, सारे मैंने 100-100 ग्राम लिए हैं। कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है, अब हम पुडिंग बनाते हैं। मैंने यहाँ पे ये कंटेनर लिया है, आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, चाहे वो सर्कल में हो, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो। आपको जितनी लेयरिंग करनी है, जिस अकॉर्डिंगली आप उसको बनाना है, आप उसके अकॉर्डिंगली ब्रेड, कस्टर्ड और फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, टोटली कस्टमाइज। तो देखिए मैंने जो ब्रेड्स को कट करा था वो इस तरीके से मैं पहले एक लेयर लगा दूंगी। आप ब्रेड्स लगा दें, जहाँ जहाँ आपको स्पेस दिख रही है वहाँ पे ब्रेड्स को थोड़ा बहुत कट करके भी सेट करके लगा सकते हैं। ब्रेड को अच्छे से रखने के बाद में हम इसके ऊपर एक लेयरिंग करेंगे कस्टर्ड की। आप अच्छे से कस्टर्ड स्प्रेड कर दें, कस्टर्ड लगाने में कोई कंजूसी ना करिए, अच्छे से स्प्रेड करिए ताकि एकदम क्रीमी टेक्सचर आए। मैंने यह कस्टर्ड अच्छे से स्प्रेड कर दिया है एकदम कॉर्नर्स में भी, ताकि कहीं पे भी छूटे ना। कस्टर्ड अच्छे से स्प्रेड करने के बाद में अब हम लगाएंगे फ्रूट्स। रैंडमली आप फ्रूट्स स्प्रेड करें, मैंने यहाँ पे कीवी के स्लाइसेस, कुछ स्ट्रॉबेरी के स्लाइसेस, ग्रीन ग्रेप्स, रेड वाले ग्रेप्स, या आप चाहे ब्लैक वाले ग्रेप्स आप यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ा सा इस पर ऑरेंजेस स्प्रेड कर दें पीसेस करके, आप थोड़ा सा इसके ऊपर एप्पल स्प्रेड कर दें, थोड़ा सा आप इसमें केला स्प्रेड कर दें। आप जो भी फ्रूट्स आपके पास में अवेलेबल है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, आप सारी वेराइटी ऑफ फ्रूट्स लेके आप अच्छे से स्प्रेड करें। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी अगर अवेलेबल है आपके पास में, तो आप थोड़ी बहुत टूटी फ्रूटी भी स्प्रेड कर सकते हैं। लेयरिंग का एक पार्ट हमारा ख़त्म हो गया, अगेन हम वापस ब्रेड लेंगे और ब्रेड की अगेन एक और लेयर लगाएंगे। जहाँ थोड़ी बहुत स्पेस बच रही है वहाँ पे मैं ब्रेड को कट करके अच्छे से उसकी प्रॉपर एक लेयरिंग कर दूंगी। ये देखिए जहाँ जहाँ स्पेस थी मैंने वहाँ पे ब्रेड कट करके अच्छे से लगा दी है। अगेन हम कस्टर्ड लेंगे और एक प्रॉपर थिक लेयर कस्टर्ड की इसके ऊपर अब हम स्प्रेड करेंगे। कस्टर्ड लें और अच्छे से कॉर्नर्स में बिल्कुल डीप अंदर तक आप अच्छे से स्प्रेड कर दें, कॉर्नर्स बिल्कुल ना छूटें। आप ध्यान रखें एक प्रॉपर थिक लेयर होनी चाहिए टॉप के ऊपर कस्टर्ड की। कस्टर्ड की लेयरिंग के बाद में हम इसके ऊपर रेंडमली फ्रूट्स स्प्रेड कर देंगे। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज के कुछ स्लाइसेस इस तरीके से काटे थे, ग्रेप्स मैंने हाफ काट के स्प्रेड कर दिए हैं, ग्रीन, रेड ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स, अगेन सारे फ्रूट्स जो भी हमने पहले यूज़ किए थे वो सारे फ्रूट्स आप रेंडमली स्प्रेड कर दें। खिचपिच ना करें, खिचड़ी ना बनाएं, हल्का हल्का स्प्रेड करें, थोड़ी स्पेस छोड़ें और उसके ऊपर अगेन आप टूटी फ्रूटी स्प्रेड करें। आप देखें कितना कलरफुल और सुंदर दिख रहा है,
बहुत ही अच्छा लगेगा। कुछ थोड़ा सा केसर मैंने भिगो के रखा था, हल्का सा वो पानी मैंने केसर का स्प्रेड कर दिया है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी। आप केसर भी ऐड करें। पुडिंग हमारी यहाँ रेडी हो चुकी है। आप इसे कम से कम 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रखें, प्रॉपर चिल्ड होने दें, सेट होने दें, उसके बाद में आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। तो इस गर्मी बनाइए ये सिंपल सी रेसिपी घर पे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।